आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में। विधानसभा चुनाव का कल पहले चरण का मतदान है, सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। तो आज कांग्रेस ने भी अपना नया उन्नति विधान पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर अपने पत्ते खोल दिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने अपने इस चुनावी पत्र में क्या क्या लुभावने वादे किए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, तो कांग्रेस ने भी अपना उन्नति विधान पत्र यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी कर अपने पत्ते खोल दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, तो उधर उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अब तक जारी घोषणा पत्रों में आम लोगों के सुझाव को शामिल किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में ये दर्ज किया है कि हम प्रदेश का विकास कैसे करेंगे। उन्नति विधान की खास बातें, 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज होगा माफ, 2500 में गेहूं धान खरीदा जाएगा, 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा, बकाया बिजली का बिल माफ किया जाएगा, कोरोना से बीपीएल परिवार को 25,000, 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, महिलाओं को 40% मिलेगा रोजगार, बीमारी पर 10 लाख तक का इलाज मुफ्त, आवारा पशु से नुकसान पर 3,000 का मुआवजा, गौधन योजना के तहत खरीदा जाएगा गोबर, 2 रुपए किलो से खरीदा जाएगा गोबर, मध्यम वर्ग को मिलेगा किफायती आवास, ग्राम प्रधान का 6,000 रुपए प्रति माह भरेगा वेतन, स्कूल फीस को बढ़ने से रोकेंगे, शिक्षकों के 2 लाख खाली पद भरे जाएंगे, पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में 1 सीट, दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 का मासिक पेंशन, महिला पुलिस कर्मियों को गृह जनपद में होगी पोस्टिंग, स्कूल रसोइयों के वेतन को लेकर घोषणा, स्कूल में रसोइयों का वेतन 5,000 रुपए प्रतिमाह होगा, एडहॉक और शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, कोरोना योद्धाओं और पत्रकारों के लिए घोषणा, कोरोना काल में जान गंवाने वालों को मिलेगा मुआवजा, कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को 50 लाख मिलेगा, घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए विशेष ऐलान, पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस लेने का वादा। सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, तो सपा ने वचन पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 130 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान है, तो वही कांग्रेस ने भी अपने आम लोग, मजदूर, किसान समेत हर वर्ग के लोगों के लिए चुनावी घोषणा किए हैं। गौरतलब है कि सपा, कांग्रेस या भाजपा, सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे किए हैं, पर 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कौन सी पार्टी यूपी विधानसभा 2022 में जीत हासिल करेगी और जीतने के बाद अब वादों पर किस तरह से खरी उतरती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।